जान के प्रेम वरदान थे, प्रेम वरदान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। एक व्यक्तित्व कब जननायक बन जाता है कि उसके मानने वाले सड़कों पर उतर आएं, नाचें, गाएं और उसके जन्मदिन को बनाएं। आज हम दिल्ली के संसद मार्ग पे हैं, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले बड़ी संख्या में उतरे हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि संविधान उन्होंने भले ही दिया, लेकिन रक्षा करने की, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पर आए कुछ लोगों से हमने बात की है, सुनिए उन्हें। आज के दिन हम समझते हैं कि बाबा साहेब की प्रासंगिकता और अहम हुई, क्योंकि जो संविधान के अंदर जिस बुनियाद के आधार पर ये प्रजातंत्र का स्थापना हुआ, वही बुनियाद को आज कमज़ोर किया जा रहा है मोदी सरकार के चलते हुए। तो आज ये प्रासंगिकता, क्योंकि मोदी साहब कल भी उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि प्रजातंत्र जो है हमारे देश में प्राचीन ज़माने से थी, और मैंने सामंती रजवाड़ों में वो जो है प्रजातंत्र थी, ये कोई नई बात नहीं है भारत के लिए। अरे वहाँ पर प्रजातंत्र क्या थी, पहले बात तो ये है प्रजातंत्र का मतलब क्या। सामंतवादी रजवाड़ों में एक राजा होता था, एक प्रजा है, और प्रजातंत्र में क्या है, एक सरकार है, एक नागरिक है, और सरकार और नागरिक के बीच में, और हर नागरिक के अधिकार बराबर, जो अधिकार उन रजवाड़ों में नहीं थी। दलितों के शोषण मतलब उसी तरीके से होती थी, वो कहीं शामिल ही नहीं हो सकते थे। तो अब इस तरीके से बातें करना, ये गुमराह करने की बात है। इस समानता की जो बुनियाद प्रजातंत्र की, उसको कमज़ोर करने के लिए इस तरीके की बातें जो है प्रधानमंत्री कहते हुए आ रहे हैं। और वही समानता जो है, आज समानता और न्याय दो स्तंभ है हमारे संविधान के, जो बाबा साहब ने हमको सौंपा। आज न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इससे लोगों को दूर किया जा रहा था। तो आज ये है लड़ाई, बाबा साहेब की उद्देश्य को, कल्पना को अगर सही स्तर में उसको लागू करवाना है तो आज इस सरकार को हटाने की ज़रूरत है, जो हमें और पीछे ले जा रही है। दरअसल आज का जो दिन है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस हिंदुस्तान का संविधान बनाने में, उसको निर्मित करने में, उसकी रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज के दिन भारतीय संविधान जो अपने आप में सत्ता के साथ संघर्ष कर रहा है, एक महत्वपूर्ण दिन हो जाता है कि जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में आम लोगों को दिलवाए, उन संविधानों की रक्षा और उन संविधानों को आगे बढ़ाने के लिए जो अधिकार दिए हैं, आम आदमी, हर आदमी चाहता है कि जो हमले उस पर हो रहे हैं उसमें एकमात्र यही रास्ता है, एक यही पथ है जो उनको राहत दिला सकता है। तो इसीलिए उनकी आस्था भी है, इसीलिए उनका विश्वास भी है कि आज के दिन बाबा साहब का जो जन्म दिवस है वो संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ और जीवन बचाओ के तौर पर भी लोग देख रहे हैं। इसीलिए वो सम्मान में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, अपना सम्मान जूते उतार कर करते हैं। अलग अलग तरीके हैं आम आदमी का बाबा साहब के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए, उनके सम्मान के लिए। आज जो है अम्बेडकर ही हमारी ढाल बने हुए, वैसे संविधान का सिर्फ नाम को है, चल तो रहा नहीं है, संविधान का तो कुछ काम धाम यहाँ है नहीं, सिर्फ नाम को है, उसी को लाके हम खड़े हो जाते हैं, वो संविधान की वजह से हम बच जाते हैं, वरना बचने का तो अभी चांस नहीं है। इंडिया में जो है इस वक्त हम थर्ड क्लास सिटीजन है, सिर्फ संविधान में जब आते हैं तो बचने की कोशिश करते हैं, हालांकि संविधान को भी कुचल कर जो है आजकल जो है आपने देखा होगा कि इनकाउंटर हो जाते हैं, गाय खाने के नाम पर मार दिया जाता है। यानी हमें भारत में मुसलमान थर्ड क्लास सिटीजन है, सेकेंड क्लास भी नहीं, सेकेंड क्लास SC ST OBC है, थर्ड क्लास जो है वो मुसलमान है, उसको खाने की भी आज़ादी नहीं, अगर खा ले तो उसको जाकर मार दो, वो क्या खाएगा ये ब्राह्मण डिसाइड कर रहे हैं RSS BJP के।
संविधान इजाजत देता है भाई, आप अपनी मर्जी से खा सकते हो, अपनी चॉइस के हिसाब से खा सकते हो, तो ये हालत है। आपस में बांट लेते हैं, ये बहुत चालाकी से खड़ा किया गया सिस्टम है। लूट खेतों में हो या उद्योगों में, तभी बंद होगी जब तुम मिलकर सत्ता छीन जाएगी। मजदूर किसान दलित एकता मिलकर संघर्ष उठाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जैसे दलितों के अधिकारों के लिए, वैसे ही महिलाओं के, कामगारों के, किसानों के, खेत मजदूरों के अधिकारों के लिए वो लड़े हैं। और औरत को इंसान के रूप में देखने का जो अधिकार मिला और समाज के सामने जो ये बात लाई, तो ये एक औरतों के लिए बहुत अहम चीज़ है। आप जानते हो, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस के परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी समाज की जो विकास का दर है, वो उस समाज में औरत की क्या स्थिति है उसी से नापा जा सकता है। तो उनके नज़र में औरत का जो स्थान एकदम दुय्यम था, और समाज के अंदर जो पूरी जाति व्यवस्था और मनुस्मृति जो जिस तरह से लागू की जाती थी, उसमें जैसे दलितों पे हमले होते थे, उसी तरह से औरतों के ऊपर भी। और औरतों को तो कतई बराबरी का स्थान तो था ही नहीं। और जितनी बेरहमी से समाज जो उच्च वर्णीय जो है, वो जो निम्न वर्णीय है, जो औरतें हैं, उनके साथ में जो व्यवहार करते थे, वो बिल्कुल निंदनीय था। तो ऐसी जो प्रतिगामी विचारधारा के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई, और आज़ादी के समय जो आज़ादी के आंदोलन में हकों की बात, अधिकारों की बात उठी, उसमें समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता पे का अधिकार, जनवादी मूल्यों का अधिकार, ये सब बातें उठी, और वो उसी का प्रतिबिंब हमारे संविधान में भी हमें दिखने को मिल रहा है। लेकिन आज के दौर में हमारा देश बड़ी कठिनाई में फंसा हुआ है, क्योंकि वही लोग जो सैकड़ों सालों से जुल्म करते आ रहे हैं, वही आज सत्ता में बैठे हैं और हमारे संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, इस देश को जाति व्यवस्था के आधार पर चलाना चाहते हैं। इसलिए जुल्म जो चल रहा है दलितों पे, मुसलमानों पे, क्रिश्चियनों पे, औरतों पे, वो उसी विचारधारा का एक भाग है। इन्हीं के लोग जो थे हिंदू महासभा वगैरह, उन्होंने बाल विवाह का समर्थन किया, सती व्यवस्था का समर्थन किया, दहेज प्रथा का समर्थन किया, ये कह के कि ये भारतीय संस्कृति है। और जो पुरोगामी विचारधारा के लोग थे, जो समाज सुधार थे, वो आवाज़ उठा रहे थे कि ये संस्कृति के नाम पर हत्या है, तो ये कतई हो नहीं सकता है। इसलिए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पूरे देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार, सोच, उन्होंने जो सीख दी है इस देश को, उसको आगे लेके जाने के लिए आम जनता में, आम महिलाओं में ये बात उठाती है। अंबेडकर जो है जीवन में एक आदर्श है, और वो आदर्श जो है जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष कर रहा, बुराइयों से संघर्ष करते हैं, और एक विकल्प देते हैं भारत को कि भारत की राजतंत्र कैसा होना चाहिए, भारत की अर्थनीति कैसे होनी चाहिए, भारत के लोगों के अधिकार क्या क्या होंगे, वो सबको सम्मान के साथ जीना सिखाते हैं। इसलिए वो हमारे आदर्श हैं, और भारत की जनता उनसे हमेशा प्रेरणा लेती रही है और लेती रहेगी। और अभी दौर ऐसा है जिसके अंदर उनकी बहुत ज़रूरत महसूस होती है। वो एक ऐसे हमारे रोल मॉडल हैं जो कि लिखते भी हैं, ड्राफ्ट भी करते हैं, और साथ में लड़ते भी हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं हमारे देश में जो केवल लिखते हैं, ज़मीन पर नहीं उतरते लोगों के साथ। वो एक ऐसे हमारे चरित्र है जो कि लिखते भी हैं, समझते भी हैं, और जनता को लेकर ज़मीन पर बुराइयों के खिलाफ संघर्ष भी करते हैं।
इसलिए वो हमारे आदर्श। देखिए आज सबसे बड़ा संकट है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसीलिए लोगों की चिंता भी है, जो लोकतंत्र पसंद या जनवाद पसंद लोग हैं, कि अगर संविधान बचेगा तो लोगों के अधिकार बचेंगे। क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है, जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको जे भी संस्थाएं बना दिया गया है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ईडी है, दूसरे तमाम सीबीआई है, इनका जो उपयोग हो रहा है, तो सबके सामने एक संकट है कि जो अधिकार हमें बाबा साहब ने हमारे संविधान में दिए, वो बच पाएंगे कि नहीं। और असल में संघर्ष सिर्फ वही है, नया मिलना तो दूर रहा, लेकिन जो जो संविधान में जो कुछ भी है वो बच पाएंगे कि नहीं, असल में संघर्ष उसी का है। ज़रूर साकार होगे, ऐसी दुनिया तो लोग ही बनाएंगे ना। देखो संविधान बना आसानी से नहीं बना, आरएसएस ने उस वक्त भी कहा कि हम इस संविधान में विश्वास नहीं रखते, इस भारतीय जो हमारा झंडा है उसमें विश्वास नहीं रखते। आरएसएस के ऑफिस में कभी भी कई सालों तक हमारा झंडा उन्होंने लहराया नहीं। तो ये समाज के अंदर संघर्ष है। जब कई जो समाज सुधार लड़े, औरतों के पढ़ाई लिखाई के अधिकार के लिए लड़े, आज भी तो औरतों को अधिकार नकारने की नीति, जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है, वो गरीबों को, दलितों को, औरतों को पढ़ाई लिखाई नकारने की नीति है, रोजगार नकारने की नीति है, बराबर का अधिकार नकारने की नीति है। तो समाज में संघर्ष तो चलता रहता है, उसी संघर्ष के जरिए जो पुरोगामी शक्तियाँ हैं वो आगे आएगी और इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी मूल्यों पे चलने वाला देश भी बचाएगी और समाज को भी बदलेगी। ये ज़रूर होगा, क्योंकि अंतिम इतिहास दिखाता है जो समाज को, दुनिया को, इंसान को आगे लेके जाने वाली सोच है, उसी की जीत हमेशा होती है।